हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तो मेरा नाम सलोनी है मैं बी एच यू के स्टूडेंट हूँ बी एच यू से ग्रेजुएशन कर रही हूँ मेरा कैंपस एम एम है आप लोग बोलते हो अपने बारे में बताओ तो मैंने अपने बारे में बता दिया तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीए का कट ऑफ सबसे पहले तो आप लोग को थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे बोला कि बी का कट ऑफ बता दीजिए क्योंकि मुझे मतलब जब मैं ये बी ए कट ऑफ के बारे में पूछताछ कर रही थी अपने फ्रेंड्स से जो मतलब अब मुझे तो पता नहीं था कि कितना होता है और हम पिछले साल का टफ देखे भी नहीं थे बीए का कितना था तो हम अपने कैंपस में ही जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनसे बात की तो पहले तो थैंक यू इसलिए कि मुझे पता नहीं था बीए सोशल और बीए आर्ट्स में डिफरेंस क्या होता है तो अब मुझे पता है बीए आर्ट्स मतलब कि उसमें आपको लैंग्वेज का ऑनर्स मिल सकता है और बीए ए जैसे कि मेन सब्जेक्ट का ऑनर्स होता है जैसे हिस्ट्री हो गया ये सब का ऑनर्स उसमें आपको मिलेगा और बी आर्ट्स में आपको लैंग्वेज जैसे हिंदी इंग्लिश ये सब का आपको लैंग्वेज मिलेगा शायद ये सही है ये बात और जैसे कि जियोग्राफी होता है तो ये दोनों में आ जाता है सोशल में भी और आर्ट्स में भी तो चलिए अब ये तो मुझे पता चल गया क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी क्योंकि मेरा जो हॉस्टल है उसमें एक प्रज्ञा कुंज हॉस्टल है उसमें बोलते हैं कि आर्ट्स वालों का है और एक स्वस्ती कुंज है उसमें बोलते हैं कि वो सोशल वालों का है तो मुझे ये कंफ्यूजन था कि ये आर्ट्स और सोशल क्या होता है मतलब टेंथ ट्वेल्थ तक तो यही था उसके बाद इलेवन ट्वेल्थ में मेरा मतलब आ, कुछ था नहीं ये सोशल और हिस्ट्री है तो टेंथ तक तो सोशल साइंस ही पढ़े थे तो मुझे कोई आइडिया नहीं था ये आर्ट्स और सोशल क्या होता है तो अब मुझे आइडिया है कि ये आर्ट्स और सोशल क्या होता है तो चलो कट ऑफ जानने से पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि कॉलेज कितने आते हैं इसमें तो ये कॉलेज का मैंने नाम लिखा हुआ है यहाँ पर इतने भी सारे कॉलेज हैं ये सब कॉलेज ये सब कॉलेज मतलब बी और आर्ट्स के लिए पार्टिसिपेट करते हैं काउंसलिंग बी सी डब्ल्यू वी के एम ए एम पी जी और डी ए ये सब कॉलेज हैं जो कि मेन कैंपस से दूरी पे रहते हैं मतलब कि ये सब एफिलिएटेड कॉलेज हैं मेन कैंपस नहीं है तो अब इनका कट ऑफ भी लो जाएगा क्योंकि ये मेन कैंपस तो है नहीं सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाएगा एफ एम सी का उसके बाद एम एम का उसके बाद वी सी डब्ल्यू वी के एम ए एम पी जी और डी ए मतलब ये कोई सीक्वेंस नहीं है कैसा जाएगा लेकिन एफ एम सबसे ज़्यादा है कि इन दोनों का कट ऑफ ज़्यादा रहेगा क्योंकि ये दोनों मेन कैंपस हैं और एम में लड़कियों को थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है क्योंकि ये यहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ हैं सिर्फ लड़कियाँ मतलब कट ऑफ थोड़ा कम होगा तो चलो देख लेते हैं देखो एक तरफ मैंने कैटेगरी लिखा हुआ है और एक तरफ मैंने पूरा कॉलेज लिखा हुआ है उसके नीचे सारा मैंने वो लिखा है मतलब कट ऑफ कितना होगा तो आप लोग खुद से देख लो कि कितना कट ऑफ है अच्छे से अगर समझ न आए तो कमेंट करना मैं बता दूंगी और हाँ ये कट ऑफ एग्जैक्ट इतना नहीं है कि अगर आपका इतना ही है तब भी आप तभी आपको कॉलेज मिलेगा अगर इससे पाँच दस नंबर कम है तो नहीं मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है इससे आप प्लस टेन और माइनस टेन से आप अपना देख सकते हो कि कितना आपका जा रहा है क्योंकि मतलब मैंने भी पूछताछ के ही बनाया है कि कितना होगा कितना नहीं तो ये मेरा मतलब एक प्रिडिक्शन है कि इतना हो सकता है आप मतलब पाँच और दस इसमें एड और माइनस कर सकते हो और आप सेफ रह सकते हो पाँच दस नंबर अगर इतना है तो और आप ये आराम से देखो समझो अपना नंबर जो अभी रिजल्ट तो आया नहीं है तो जो रिजल्ट है उसको आराम से फिर से कैलकुलेट कर लो कि आ रहा है ना उतना अगर आप नॉर्मलाइजेशन से डर रहे हो तो उससे डरने का कोई ज़रूरत नहीं है देखो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है आपका मतलब एकदम अब ये नहीं है कि आपका 450 आ रहा है तो आपका 350 आ जाएगा इतना नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है हाँ बस वही होता है कि दस बीस तीस नंबर तक मान सकते हो लेकिन इतना तीस नंबर भी मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन में नहीं जाता है तो मेरा खुद सेवेंटीन नंबर कम हुआ था मतलब मेरा फोर हंड्रेड प्लस आ रहा था और मेरा थ्री एट आया तो इतना बस चल सकता है लेकिन अब ये नहीं होगा कि एकदम आपका आपको बी एस सी एग्रीकल्चर मिल रहा था फोर सेवेंटी और आपका बी एस सी जुलॉजी भी नहीं मिला तो इतना नहीं हो सकता है तो आपको बस पेशेंस रखना है रिजल्ट का वेट करना है और अपना कट ऑफ देखो अपना इंटरेस्ट ढूंढो तब तक आप कुछ पढ़ो लिखो उस सब में ज़्यादा रहो ये काउंसलिंग वगैरह तो जैसे जो होना होगा वो तो होगा ही जैसे ही आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर देना और रिलैक्स रहो यार एडमिशन हो जाएगा बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं तो उससे डरने की कोई बात नहीं है आप बस वो एक वीडियो था जिसमें मैंने बताया था कि जो भी यूनिवर्सिटी है उसका लिस्ट बना लो आप और उसमें उसको टारगेट करो जैसे ही फॉर्म आया उसको फिल कर दो बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं और बहुत अच्छे अच्छे कोर्स हैं आप अच्छे से पेशेंस से काम लोगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा आप टेंशन नहीं लो एकदम अच्छे से हो जाएगा और अच्छे जगह पे होगा आप वहाँ जा समझोगे कि हाँ चलो जहाँ आए हैं सही है बी ही एक यूनिवर्सिटी तो नहीं है कि नहीं मिला तो अब लाइफ ख़त्म यार बहुत सारी यूनिवर्सिटी है डी यू का इससे कट ऑफ कम नहीं डी का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा बी के लिए साइंस वालों के लिए कम जाता है डी का कट ऑफ़ जैसे कि मेरा फर्स्ट राउंड में ही मुझे गार्गी कॉलेज डी में मिल गया था और बी में मुझे फर्स्ट राउंड में कुछ नहीं मिला था और फर्स्ट राउंड का कट ऑफ देख के तो मुझे लगा कि मेरा बी नहीं होने मतलब मिलेगा ही नहीं बी मतलब फोर से फोर सेवेंटी फर्स्ट कट ऑफ था जूलॉजी ऑनर्स के लिए और कहाँ मेरा थ्री मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि मेरा एडमिशन होगा इसमें कहाँ फोर सेवेंटी और कहाँ मेरा ये और कट ऑफ गिरते गिरते साढ़े तीन सौ तक आ गया था तो, तो इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है सीट बहुत सारी होती है ग्रेजुएशन के लिए बस थोड़ा पेशेंस से काम लेना होता है मोपअप राउंड तक पार्टिसिपेट करना होता है आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है आप लोग आराम से रहो रिजल्ट का वेट करो और कुछ करते रहो बस ये वीडियो वो वीडियो देख के अपना टाइम वेस्ट मत करो अच्छा से अपना सारा फोकस जो है आगे के पढ़ाई में करो लगाओ कि आगे क्या करना है चलो तब तक के लिए अपना ख्याल रखो बाय टेक केयर